अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे आलू और प्याज के पकोड़े। जिसके लिए हम लेंगे आलू आधा किलो, बेसन एक कप, मैदा 3 टेबलस्पून, प्याज एक अदद बारीक कटा हुआ, नमक 1 टेबलस्पून, सूख मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1 चुटकी, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, अनारदाना 1 टेबलस्पून, अजवाइन 1/2 टीस्पून। और इसके अलावा हम इसमें यूज़ करेंगे पुदीना बारीक कटा हुआ 2 टेबलस्पून, धनिया बारीक कटा हुआ 2 टेबलस्पून, सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई 3 से 4 आदद। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अब एक बड़ा बोल लेंगे जिसमें ये सारी चीज़ें मिक्स करनी हैं। उसमें आलू डालेंगे, साथ ही प्याज डाल देंगे, बेसन डालेंगे, मैदा डालेंगे, नमक, सूख मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, जीरा पाउडर और बेकिंग सोडा, अजवाइन, अनारदाना डालकर मिक्स करेंगे। तमाम मसाले मिक्स करके इसमें धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्ची डाल देंगे। पुदीना भी डाल देंगे। मिक्स करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी ज़्यादा नहीं डालना। तमाम मसाले अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसके पकौड़े बनाएंगे। पैन में ऑयल डालेंगे, अब जैसे ही ऑयल गर्म होगा हम पकोड़े फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें पकोड़े डालना स्टार्ट करेंगे। अभी इसकी साइड चेंज करेंगे। पकौड़े फ्राई हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।